सर बहुत बहुत स्वागत है आपका घमासान.com पर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि जिस तरह इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को नए चेहरे के साथ उतारा है, तो क्या लगता है इंदौर से जीत हासिल कर पाएंगे शंकर लालवानी? बिल्कुल जीत हासिल कर पाएंगे और लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे शंकर लालवानी। जी सर, जैसा कि आपके क्षेत्र से क्या सहयोग रहेगा शंकर लालवानी को? वो हजारों मतों से जीतेंगे। पिछली चक्कर भी सुमित्रा जी महाजन ने 6000 मतों से जीती। सर जिस तरह ताई 8 बार चुनाव जीत चुकी है और जिस हाइट पे ताई है, क्या उसी हाइट पर शंकर लालवानी पहुंच पाएंगे? नहीं, वो उम्मीदवार उम्मीदवार होता है जी, क्या चाहे वो प्रधानमंत्री हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या एक सामान्य कार्यकर्ता हो जी, अगर जब वो उम्मीदवार होता तो प्रत्याशी होता है। सर जिस तरह आपने नए चेहरे के साथ इंदौर में उतारा है शंकर लालवानी को, तो सर क्या सोच के आपने नए चेहरे को इंदौर के गढ़ में उतारा? नहीं, वो नए लोगों को अवसर दिया, पार्टी ने तय किया कि 75 साल से ज्यादा लोगों ने लड़ाएंगे जी, और नई उम्र के लोगों को अवसर देंगे, नए लोगों को अवसर देंगे जी, तो उसके कारण उनको लड़ा है पार्टी। सर आपको क्या लगता है इंदौर से 100% भाजपा अपना गढ़ लाएगी? बिल्कुल लाएगी, नवी बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा। जी सर धन्यवाद आपका, ऐसे ही घमासान.com के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.